जी आज हम करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। क्या है भाई? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? जिसको बोलते हैं पादपों में पोषण। पादप मतलब पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, समझ लो अभी। ठीक है, तो देखो पेड़ पौधे क्या होते हैं सजीव। हम पहले सबसे पहले एक चीज समझेंगे कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। सजीव का मतलब होता है जिसके जो सांस ले सकता है। सबसे पहली बात, जो सांस ले सकता है उसको क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। जो अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जैसे कि हम हैं, तुम हो, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम आए, तुम्हारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से आए, उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से आए, तो क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। बाद में लिख लेना, आई विल नॉट डिनाई यू कि तुम मत लिखना, लेकिन बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। ऑलराइट, हाँ जी। तो क्या होता है सजीव? सजीव का मतलब होता है, आई रिपीट अगेन, कि जो सांस ले सकते हैं, अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अगर हम बात करें पौधों की, हम एक बीज डालते हैं भाई, कोई सीड डालते हैं हम, मीन्स कहीं कोई सीड डाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस होगा। अब ये तो है नहीं कि हमने एक सीड डाला तो सिर्फ एक ही फ्रूट निकलेगा उसके अंदर से। क्या होता है? बहुत सारे उसके अंदर से पौधा निकलेगा, इस तरह से पौधा निकल रहा है, फिर फ्रूट्स लग रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं, उधर भी लग रहे हैं, फ्लावर्स लग रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या हो रहा है? बहुत सारे बीज उसके आ जाएंगे। फिर अगर हमने उसको नहीं छेड़छाड़ की स्टार्ट में, तो वो गिर जाएंगे, फिर से दोबारा से वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे उसके अंदर उसी के जैसे पौधे और पैदा हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही पॉपुलेशन तो जो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको जन्म दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको जन्म दिया, तो जो सजीव होते हैं, सांस ले सकते हैं, अपना खाना, वो देखो हम जो गैस पे खाना पकाते हैं उसकी बातें यहाँ पे नहीं कर रहे। हम किसकी बातें कर रहे हैं? जो हमें ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। अब देखो अगर हम फ्रूट खा रहे हैं तो क्या फ्रूट को हम घर में बनाते हैं? नहीं बनाते, पेट तोड़ के लेके आते हैं। ऑलराइट, अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल के घर में बनाते हैं? नहीं, तोड़ के लेके आते हैं पौधों से, सही से, ठीक है, तोड़ के लेके आते हैं और उसको हम यूज करते हैं, फिर उसको हम कुक करके खाते हैं, ठीक है, कुक करते हैं ना, तो तब खाते हैं। तो अगर हम पौधों की बात करें तो वो अपना खाना अपने आप से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर समझ में आएगा अच्छे से। ये तो मैंने बेसिक बेसिक सच का बता दिया, अब पढ़ लेते हैं। सजीव और निर्जीव जीव। सजीव होते हैं जिनके अंदर जो सांस ले सकते हैं, ठीक है, जिनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, जो अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं, तो क्या होते हैं सजीव? सजीव मनुष्य, पौधों और जानवरों जैसे जीवित जीवों को जीवित रहने और अस्तित्व में जीवित जीव प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। अब देखो मेरा मार्कर है, ये क्या है, सजीव है या फिर निर्जीव है? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, निर्जीव है। तो ये सांस लेता है? नो मैम। क्या हम इसको खिलाए पिलाए मोटा कर सकते हैं? नो मैम। कहीं अपने बच्चा पैदा कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं अभी इसकी? क्योंकि ये निर्जीव है इसलिए, ठीक है, तो ये निर्जीव है तो ये अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, अगर इसको तुम बहुत गर्मी में रख दो तो क्या कपड़ा उतार के फेंक देगा? नहीं नहालेगा। अगर हम इसको बहुत ठंडी में रख दें तो क्या बहुत सारे स्वेटर पहन लेगा? नहीं नहालेगा। क्या बहुत सारे चाय पी लेगा, कॉफी पी लेगा? नहीं कर लेगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम कहीं भी रख दो। लेकिन अगर हम रखें अपने आप को, अभी इतना टेम्परेचर रखा है तो क्या ए सी चला दो, कूलर चला दो, ये चला दो, वो चला दो, है ना, मर गए गर्मी में, झुलस गए, ये हो गया वो हो गया, तो क्या करेंगे? अगर हम कहीं से बाहर से आए, थोड़े टाइट कपड़े पहन रखे, तो उनको लूज करने की कोशिश करते, कपड़े बदल देते हैं, दूसरे वाले कपड़े पहन लेते हैं। ऑलराइट, अगर हम वो ठंडी में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उस टाइम पे? स्वेटर पहनेंगे, शॉल ओढ़ लेंगे, वो ठंडा कैप पहन लेंगे, वो ठंडा ग्लव्स पहन लेंगे, और ज्यादा ठंडा है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्या ये कहेगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता? दूसरी चीज, जो सजीव होते हैं वो यहाँ से वहां तक मूव कर सकते हैं, कहीं तक, मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, अब ये कैमरा रखा है,
फोन रखा है, क्या मूव कर सकते अपने आप से? नहीं कर सकते। जब तक हम इसको नहीं हिलाएंगे तब तक वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते। क्या ये फोन है? शादी कर देंगे इसके, एक और बच्चा पैदा कर लेगा? नहीं, क्योंकि ये निर्जीव है। सजीव और निर्जीव में फर्क समझ में आया? ठीक है। क्या होता है कि मूवमेंट नहीं कर सकता, जो निर्जीव चीज होती है वो मूवमेंट नहीं कर सकती। अब तुम कह रहे हो कि गाड़ी चल सकती है, गाड़ी की अगर बात करें लेकिन कैसे चल सकती है? अगर या तो हम उस पर प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे उसके ऊपर, ताकत लगाएंगे, धकेलेंगे उसको, तब चलेगी। और क्यों चलेगी? और नहीं तो क्यों चलेगी? उसके अंदर बैठ के, उसके अंदर पेट्रोल डाल के हमें उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तब चलेगी। अपने आप से वो नहीं चलेगी। ये चलेगी यहाँ से वहाँ जा रही है जी अपने आप ही, वो टार्जन दी वंडर कर की तरह नहीं। तेल वेल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ती। ठीक है, उसमें भूत होता है तो वो भी भूत चल रही है ना, वो मतलब दिखाता तो ये था कि वो अपने आप ही चल रही है। ठीक है, लेकिन उसमें भी फ्यूल लगता है। फ्यूल की एक अलग बात है, छोड़ो उसको। लेकिन निर्जीव चीज यहाँ से वहां तक अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती, लेकिन सजीव को यहाँ से वहां तक अपने आप से मूवमेंट करनी पड़ती है। अब देखो, जीवित सांस ले सकते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। अब ये तो है नहीं कि हम खा रहे हैं और मोदी जी बिना बात के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं तो टॉयलेट को भी यूज करते हैं, समझ गए? तो क्या करते हैं उसको? टॉयलेट में जाके उत्सर्जित करते हैं जो हमने खाया है। ऑलराइट, या बस खा रहे उसको ऐसे 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 बढ़ाए जा रहे हैं, फिर दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे भाई करके, अगर ऐसा हो। दैट वाज दी पार्ट ऑफ दी जॉब। आगे आते हैं, तो जीवित होते हैं जो सजीव होते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्या सांस ले सकते हैं? ये हम क्या होता है, हमारा पेट एक बार तो हो जाता है, फिर अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। क्या ये सांस लेते हैं? नहीं लेते। ठीक है, तो आई तो समझ में आ गया होगा, आई होप। यस, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, समझ में आया। सजीव और निर्जीव, सजीव क्या होते हैं? जो सांस ले सकते हैं, जो प्रजनन कर सकते हैं, मीन्स अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सांस ले सकते हैं, मतलब अंदर सांस लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होते हैं? सजीव होते हैं। निर्जीव क्या होते हैं? उसका उल्टा, प्रजनन नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, ठीक है, मोशन नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे निर्जीव। क्या हो जाएंगे? निर्जीव हो जाएंगे। याद करो इनको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। क्या होती है? कोशिका। इस चीज को इस चीज से समझो। क्या हुआ, नींद आ रही है? देखो, जैसे एक घर होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक ईंट होती है, तो ईंट से क्या बनता है भाई? दीवार बनती है। दीवार से ये कमरा बन जाएगा, फिर एक कमरा, फिर एक और कमरा बन जाएगा, फिर हमारा बाथरूम बन जाएगा, किचन बन जाएगा, तो वो पूरा क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। फिर एक घर, दो घर, तीन घर, 10 घर, 50 घर, क्या बन जाएगा? पूरी कॉलोनी बन जाएगी। कॉलोनी, एक कॉलोनी, दो कॉलोनी, तीन कॉलोनी, चार कॉलोनी, क्या बन जाएगा? पूरा, जैसे कि एक गांव बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग, ठीक है, गांव समझ लो। या फिर जैसे कि शालीमार बाग में बहुत सारी क्या है? कॉलोनीज है। कोई बीसी ब्लॉक है, कोई एसी ब्लॉक है, कोई एमडी ब्लॉक है, इस तरह से अलग 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 क्या है उसके अंदर? कॉलोनीज है। तो इस तरह से बन जाएगा। फिर जब पूरा ये शालीमार बाग, फिर और कोई दूसरा, इस तरह से अलग 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 स्टेट आएंगे, तो क्या बन जाएगा? पूरा शहर बन जाएगा। तो वैसे ही जिस तरह से एक ईंट से जो मेन चीज है इसके अंदर, जो घर बना रहे हैं, सबसे मेन चीज क्या है? जो शहर बन रहा है, इवन जो शहर बन रहा है उसके सबसे मेन चीज क्या है? ईंट है। वैसे ही जो हमारी पूरी बॉडी बन रही है उसके लिए मेन चीज क्या है? कोशिका। कोशिका बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं भाई कोशिका, क्या बोलते हैं? कोशिका, और इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल बोलते हैं। राइट, सेल। सेल से क्या बनते हैं? देखो, कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जस्ट लाइक कोशिका से क्या बनेगा? टिश्यूज बनेंगे, इनको ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ऊतक, ऊतक से क्या बनेगा भाई? ऑर्गन, जिसको हम अंग बोलते हैं। अंग जैसे किडनी हो गई,
लिवर हो गया, फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, ठीक है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत हो गई, ये सब क्या है हमारे ऑर्गन्स है जो काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि परिसंचरण तंत्र हो गया, है ना, उत्सर्जन तंत्र हो गया, जो श्वसन तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं, क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र हो जाएगा। तो ये सबसे मिलकर क्या बनी है, हमारी पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ईंट से, दीवार दीवार से, फिर घर घर से, फिर मकान पूरा, मकान से सॉरी मकान से कमरे से घर बना, घर से फिर पूरी कॉलोनी बनी, कॉलोनी मिला के सब कुछ, और इस तरह से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। वैसे ही एक कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से फिर हमारे ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स मीन्स अंग बने, अंग से फिर हमारे जो तंत्र होते हैं वो बने, ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, और परिसंचरण, परिसंचरण मतलब जब हम जो परिसंचरण हमारे शरीर के अंदर सर्कुलर चल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और उत्सर्जन लास्ट में जो हम क्या करते हैं, जो मोदी जी ने टॉयलेट बनाई है हमारी, ठीक है। ओके, इतने समझ में आया, अब आगे चलते हैं। कोशिकाएं छोटी इकाइयां होती है, क्या होती है, सबसे छोटी इकाई कौन होती है हमारी बॉडी के अंदर, कोशिका, क्या होती है, कोशिका, जो एक जीवित जीव को बनाने में मदद करती है, इसलिए इन्हें जीव के निर्माण खंड भी कहा जाता है। जिस तरह से ईंट को हम निर्माण खंड कहेंगे, वैसे ही कोशिका को भी क्या कहेंगे, निर्माण खंड, राइट। एक पतली पहाड़ी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, इस तरह से होती है, इस तरह से कोशिका होती है, ऑलराइट। तो जो ये बाहर की जो ये है, इसको क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे हम कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं, इसके बीच में इस तरह से सेंटर में बिल्कुल इसके बीचों बीच एक गोल चीज होती है, उसको कहते हैं केंद्रक, क्या कहते हैं, केंद्र, क्या कहते हैं भाई, केंद्रक कहते हैं। फिर एक जाली जैसा पदार्थ जो अमित के चारों ओर से घेरा रहता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या भरा होता है, लिक्विड, पानी, मतलब पानी की तरह कुछ भरा होता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ये होता है द्रव्य, क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो क्या होता है, एक तरह का द्रव्य होता है, क्या होता है, एक तरह का द्रव्य होता है, ठीक है। अब देखो जो द्रव्य होता है केंद्रक में भी होता है, द्रव्य केंद्रक में, ये बात मान लेते हैं, और कुछ धागे की तरह, चलो जब ये जब इसका इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरी की पूरी हम कोशिका को उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया तुम्हें, किस साल होती है कोशिका, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। एट दी एंड सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोशिका, कोशिका के बिना कुछ भी नहीं है, कोशिका के बिना हमारे आँख नाक बाल कुछ भी नहीं है, कोशिका के बिना, ऑलराइट, हम ही नहीं है। चलो जी, देखो जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज किसने की भाई, कैसे पता चला कि इसको कोशिका कहते हैं, और ये हमारे शरीर में होती है, कोशिका की खोज किसने की, कुछ पता है, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने उसकी खोज की, कोशिका की, क्या हुआ, कोशिका की खोज किसने की भाई, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलो देखो इसे भाई, देखो जो ये बाहरी होता है, जो बाहर का पार्ट होता है इसका, ये होती है दीवार, बाहरी पार्ट, जो बाहरी पार्ट होता है कोशिका का, जो बाहर का हिस्सा होता है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका की दीवार, जैसे करवाया था हिस्ट्री में, भित्ति लेख, शिला लेख, स्तंभ लेख, राइट। वैसे ये क्या होता है, कोशिका भित्ति, क्या होती है, कोशिका भित्ति मतलब, हाँ, सेल वॉल, क्या होती है, सेल वॉल मतलब कोशिका की दीवार, क्या होती है, कोशिका की दीवार। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला अंदर वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई, कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं इसको,
कोशिका झिल्ली। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। चलो जी, ओके नेक्स्ट आते हैं। एकल और बहुकोशिकीय जीव। देखो कई सारे जीव ऐसे होते हैं, जैसे ये है मेरी शर्ट है, ये पूरी एक धागे से बनी हुई है, ठीक है? क्या है? पूरी एक धागे से बनी हुई है, मतलब सेम एक धागा है पूरी पूरी टी शर्ट के अंदर। तो जिसके अंदर सिर्फ एक तरह की कोशिकाएं होती है, क्या कहते हैं हम? एकल, एकल कोशिकीय जीव या फिर एक कोशिकीय, जिसके अंदर एक कोशिका, एक कोशिका से बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, या फिर एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है? जैसे बहुत छोटे होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते नेकेड आई से, ठीक है? हमें उसको देखने के लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ऑलराइट, चलो जी, समझ में आया कि जो एक कोशिका से बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? एकल या फिर एक कोशिकीय जीव कहते हैं। पढ़ लेते हैं। वे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकीय या एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? ये उसका सेंटर हो जाएगा और वो ऐसे ही जीव होता है। उसके हाथ पैर आंख नाक मूंछ कुछ नहीं होता, बाल वगैरह नहीं होता, राइट? लेकिन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव की, अब देखो मैं हूँ, बाल भी है मेरे, तो ये तो है नहीं कि बाल से खाल बन जाएगी या खाल से बाल बन जाएगा, है ना? अब आंखें भी हैं। आंखें क्या है? क्या आंखें हमारी, जो हमारी आईज है, जो क्या हमारी स्किन से मैच करती है? आंखें अलग धागे से बनी हुई है, मतलब अलग कोशिका से बनी हुई है, अलग सेल से। जैसे मैं बात करूँ किसी जस्ट लाइक ये, जैसे ये बुक है, नोटबुक है। अब ये कवर पेज है इसका, ये क्या है? ये दूसरा वाला है पेज, राइट? और ये अंदर वाले पेज है, ये दूसरे पेज है। तो क्या हम उसको, अगर कोई ऐसा जीव है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे दांत भी है, दांत अलग कोशिका से बने हैं, आंख अलग कोशिका से बनी है, बाल अलग कोशिका से बने हैं, जो नेल्स है वो अलग कोशिका से बने हैं, राइट? जो हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर के, स्मॉल इंटेस्टाइन मींस छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, जो हमारी जीभ है, मसूड़े हैं, लीवर है, हमारी जो अलग अलग तरह के हमारे अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, मींस किडनी को गुर्दा बोलते हैं, हार्ट को दिल बोलते हैं और लीवर को जिगर बोलते हैं। तो ये सब चीजें हो गई, तो सब में अलग 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 तरह की कोशिकाएं होती है। क्या एक तरह की कोशिका सब कुछ बन गया? तो क्या हो गई? बहुत सारी, कई तरह की। तो क्या कहेंगे? मल्टी। क्या कहेंगे? मल्टी। तुम्हें हिंदी को समझा रही हो, क्या कहेंगे? बहु कोशिकीय जीव कहेंगे, ठीक है? ये तो हो गई मनुष्य की बात, सभी मनुष्य। अब जानवर में भी कह रहे हैं जी, तो जानवर में क्या होता है? किसी का तो पंजे होते हैं, जैसे शेर वगैरह के लगा लो, उनके भी दांत होते हैं, जीव होती है, अलग अलग होते हैं उनके भी ऑर्गन्स, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो उनके भी अलग अलग होते हैं, ठीक है? भैंस हो जाती है, तो भैंस के पंजे नहीं होते, तो उनके क्या होते हैं? खुर होते हैं, होते हैं ना खुर, इस तरह से दो, जो दो इक्वल पार्ट्स में इस तरह से बटे हुए होते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से कुछ, ठीक है? इस तरह से उनके पैर होते हैं, ठीक है? जो बफेलो वगैरह होती है, गाय वगैरह होती है, उनके इस तरह के होते हैं, तो उनके खुर होते हैं, फिर उनकी जो स्किन होती है उनके भी दांत होते हैं, आंखें होती है, तो सारे उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो घास वगैरह को डाइजेस्ट करता है, तो उनकी भी अलग अलग कोशिकाएं होती है, है ना? अब आते हैं, चलो मैडम ठीक है, हमने मान लिया कि मनुष्य और जानवरों में तो हो गया, अब पौधों में कैसे होते हैं? अब देखो अगर हम आम के पेड़ की बात करें, तो आम का पेड़ क्या होता है? पहली बात, आम का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्या होता है? बहुत बड़ा पेड़ होता है, नहीं? यस मैम, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है भाई, बहुत अच्छा नहीं बना रही है, ऐसे बना रही बस, ये आम लगे हुए हैं जगह जगह, ठीक है? क्या लगे हुए? आम। अब देखो जो इसका ये पार्ट होता है ये बहुत हार्ड होता है, ब्लैक कलर, राइट? क्या होता है? ब्लैक होता है। जिसकी रूट्स होती हैं जमीन के अंदर,
वो अलग तरह की होती है, थोड़ी ब्राउनिश, ऑलराइट। और अगर हम इनकी बात करें, जो इनकी ब्रांचेस होती है बड़ी बड़ी, वो अलग कलर की होती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है। फिर अगर हम बात करें जो पत्तियाँ ही होती है इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है, तो पत्तियाँ कुछ ग्रीन होती है, कुछ बहुत लाइट ग्रीन होती है, कुछ कुछ पिंक होती है, कुछ है ना, कुछ रेडिश भी, मतलब थोड़ा रेड 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 सा होता है उनके अंदर, बिल्कुल ग्रीन नहीं होती है वो। एक तो होती है बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन, एक होती है बिल्कुल थोड़ी सी लाइट ग्रीन, और एक जो अभी अभी निकली है थोड़ी पिंक पिंक सी होती है, होती है ना। यस मैम, यस मैम। तो सबके पास, सबके अपने अपने अलग 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 कोशिका होगी कि नहीं होगी। अब जब ये काले रंग का है, इसका तना पूरा, इसका स्टेम पूरा काले रंग का है, उसकी अलग अलग कोशिकाएं होंगी। अब ब्रांचेस है थोड़ी, मतलब इससे कम कठोर है, मोटी मोटी ब्रांचेस है, तो इसकी अलग होंगी। जो फ्रूट्स होंगे क्या वो काले रंग के होते हैं? उसकी अलग होंगी। सभी क्या होती है, अलग 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 कोशिकाएं होती है। क्योंकि कई बच्चे कहेंगे कि मैडम उनके दांत नहीं होते पौधों के, अब बताओ कैसे अलग अलग हुई। तो इसलिए जो उनकी जड़ें होती हैं उनकी अलग कोशिकाएं होती है, जो उनका तना होता है उसकी अलग कोशिकाएं होती है, जो शाखाएं होती है उनकी अलग होती है, जो टहनियां होती है उनकी अलग होती है, जो फ्रूट्स होते हैं उनकी अलग होती है, जो फूल आते हैं उनकी अलग होती है। अब आम के पेड़ पे फूल आते हैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं शायद से आता होगा, लेकिन जो अदर अदर प्लांट्स पे, जो अदर ट्रीज पे फूल आते हैं उनकी अलग होती होगी। या जिस जिस पेड़ में से येलो कलर का फूल निकल रहा है उसे येलो कलर का ही फल निकल रहा है, तो पूरा पेड़ येलो कलर का ही, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अलग अलग होती है। जस्ट लाइक हमने ले लिया एग्जाम्पल रोज का, भाई ऐसा कुछ रोज होता है, ठीक है, मान लो कि ये रोज, रोज का फ्लावर है, ऑलराइट, क्या है, रोज है। अब रोज होता है तो ऐसे होता है कुछ, ओके, उसकी पत्तियां होती है इस तरह से, कुछ छोटी पत्तियां कुछ बड़ी पत्तियां। तो ये तो पिंक कलर का होता है, इसकी तो अलग कोशिकाएं होंगी, इसके बीच में वाइट 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 निकले हुए होते हैं, ठीक है, सिपल्स, वो क्या होते हैं, वो अलग कोशिका के बने होते हैं, उनके ऊपर येलो 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 ऐसे लगा होता है, वो अलग कोशिका से बने हुए होते हैं। जो पत्तियां नई पत्तियां होती हैं उनके अंदर अलग कोशिकाएं होती है, जो पत्ती नीचे होती है येलो रखी होती है वो अलग होती है, जो तना होता है उनका वो अलग होता है, थोड़ा ग्रीन कलर का, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का होता है, और जो ये वाला जहाँ पे फूल लगा हुआ है थोड़ा सा कम डार्क होता है, मतलब लाइट डार्क ग्रीन कलर का होता है, अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में भी हमारे अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग कोशिका होती है, इसलिए हम प्लांट्स को भी क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने प्लांट लगाया, वो सांस लेते हैं, पौधे भी ग्रोथ करते हैं, सांस लेते हैं, हम तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो हमारा उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने जैसे बच्चों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। कैसे, हमने एक पौधा लगाया, तुम्हें पता, तुम्हें मैंने भी बताया था कि उसके बीज झड़ जाते तो और पौधे तो हाथ में उग जाते हैं। सबसे अच्छा अगर हम एग्जाम्पल दें उसका, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पुदीना। पुदीने का एक पेड़ लगाओगे बहुत सारे हो जाते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, हो जाते हैं ना बहुत सारे, उसके जैसे पौधे रिप्रोड्यूस अपने आप से होने लगते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कि छोटा सा पौधा होता है बड़ा 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 हो जाता है। या बहुत बड़ा पेड़ लगा तुम कैसे लगाते हो, नहीं लगाते, छोटा पौधा लगाते हो बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो कैसे होते हैं बहुकोशिकीय, वो भी समझ में आ गया, और सजीव कैसे रहते हैं वो भी समझ में आ गया, राइट। चलो जी, बहुत अच्छी बात है।